आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल ने दिल्ली के उप राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि वजीरपुर व शालीमार बाग विधानसभा के साथ बहने वाली नहर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। कांग्रेस की सरकार के समय में इस नहर पर आउटर रिंग रोड से लेकर प्रेमबाड़ी पुल तक एलिवेटेड रोड बनाकर उसके नीचे पैदल पथ बनाकर व दोनों तरफ बागवानी लगाकर और नहर में कृत्रिम रूप से पानी डालकर स्थानीय निवासियों के लिए पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित करने की प्लानिंग थी। यह रोड बनने से पीतमपुरा व शालीमार बाग में रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और स्थानीय लोग निवासियों को फायदा होगा। पूरी रिपोर्ट। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल ने जन्नत की पुकार के मुख्य संपादक से बात करते हुए कहा कि हैदरपुर वाटर टैंक आउटर रिंग रोड से लेकर वजीरपुर जजे कॉलोनी शमशान घाट नजफगढ़ नाला तक बहकर आने वाली नहर जो कि हरियाणा सरकार के अधीन आती है उसको हरियाणा सरकार से टाई अप करके पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। यह नहर हैदरपुर पीतमपुरा सिंगलपुर शालीमार बाग केशवपुरम अशोक विहार वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया वजीरपुर जय कॉलोनी और त्रिनगर को छूती हुई बहती है। इस नहर में पानी हरियाणा के ताजेवाला से हैदरपुर वाटर टैंक तक आता है, उसके बाद नहर में पानी बहुत कम होता है। कांग्रेस की सरकार के समय में इस नहर पर आउटर रिंग रोड से लेकर प्रेमबाड़ी पुल तक एलिवेटेड रोड बनाकर उसके नीचे पैदल पथ बनाकर व दोनों तरफ बागवानी लगाकर और नहर में कृत्रिम रूप से पानी डालकर स्थानीय निवासियों के लिए पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित करने की प्लानिंग थी। यह रोड बनने से पीतमपुरा व शालीमार बाग में रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और स्थानीय निवासियों को फायदा होगा। देखिए साथियों, ये मुनक नहर है, ये ताजेवाला से चल करके और दिल्ली में आती है। इसका अस्तित्व जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट के हाथ में है, जो इसका मालिकाना हक है वो हरियाणा गवर्नमेंट के तहत ये नहर आती है और पूरी की पूरी नहर बड़ा अच्छा पानी इसमें आता है और हैदरपुर वाटर टैंक वहां पर पूरा पानी इसका चला जाता है और पूरी दिल्ली में उसका सप्लाई पानी होता है। लेकिन हैदरपुर वाटर टैंक के बाद ये नहर आती है सीधा शालीमार बाग हैदरपुर सिंगलपुर ये गांव है, साथ में इधर पीतमपुरा है, डिस्ट्रिक्ट पार्क है ये, इसके बाद आप चले जाएं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर अशोक विहार है, फिर वजीरपुर जेजे कॉलोनी है, इधर त्रिनगर है और इधर ये केशवपुरम है। तो ये पूरी करीब लगभग 3 विधानसभाओं को पार करके जाती है, करीब 3-4 किलोमीटर का ये सफर तय करके आती है। लेकिन हैदरपुर नहर हैदरपुर जो आउटर रिंग रोड है उसके बाद से लेकर के वजीरपुर जो ये गंदा नाला है या नजफगढ़ ड्रेन इसको कहें वहां तक ये जाती है, लेकिन उसके बाद इसमें पानी नहीं है। ये लगभग सूखी हुई नहर है, आप देखिए पानी नहीं है इसके अंदर। हमारा कहना यह, जब हमारी सरकार थी दिल्ली की कांग्रेस की, सब हमारी गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम हम लोगों ने इसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनाने की प्लानिंग की थी और इसका पर्यटक स्थल के रूप में इसको हम इस्तेमाल करने वाले थे। एलिवेटेड रोड बनता आउटरिंग रोड से लेकर के यहाँ प्रेमबाड़ी पुल तक, ताकि जो शालीमार बाग पीतमपुरे का और जो बाकी क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्र का जो ट्रैफिक है उस पर कम लोड पड़ता और इसके बीच में से वो ऊपर से उठता हुआ एलिवेटेड रोड यहाँ उतर जाता, जिसका कि हमें लोगों को आसपास के क्षेत्र वालों को इसका बेनिफिट मिलता। और साथ साथ क्योंकि ये नहर को हम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करते, साइकिल ट्रैक है, पैदल ट्रैक है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा रहता और हरियाली बना करके इसको पूरा वजीरपुर जजे कॉलोनी तक इसको हम दोनों तरफ से ट्रैक बनाने की हमारी प्लानिंग थी, लेकिन इस सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम ये चाहते हैं कि सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की केजरीवाल सरकार, इस पर ध्यान दे और इसको पूरी तरह से पर्यटक स्थल के रूप में इस्तेमाल करे। साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जो है, इस नहर के दोनों तरफ जो गांव पड़ते हैं, हैदरपुर गांव है, सिंगलपुर गांव है, वजीरपुर गांव है और तमाम तरह के हैं, झोपड़पट्टी भी साथ में लगती है, तो लोग खुले में सोच जाते हैं, झोपड़पट्टी के जो वैसे निवासी हैं जो, तो खुले में सोच जाते हैं, गंदगी फैलती है। पर्यटक स्थल के रूप में जब ये बन जाएगा तो गंदगी भी समाप्त होगी और एक बड़ा खूबसूरत ये इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। साथ साथ ये दोनों तरफ यहाँ पे पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोग बहुत संख्या में रहते हैं, छठ पूजा इसके ऊपर बड़ी धूमधाम से लाखों लोग मनाने के लिए आते हैं। हमारा कहना यह है कि इसके दोनों तरफ इसमें छठ घाट बना करके कृत्रिम पानी छोड़ा जाए, क्योंकि पानी तो इसमें आता नहीं है, या वहां कुछ टाइम के लिए पानी इसमें छोड़ दिया जाए, या इसमें ट्यूबवेल लगा करके और जगह जगह रोक करके पानी को इसमें एक नौका अभियान की तरह से इसमें चलाया जाए और जब छठ का टाइम आए तो उसमें छठी और छठ पूजा करने वाले लोग जो हमारे साथी और भाई हैं वो इसमें बड़े धूमधाम से उसको मना सकें और एक बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट ये बन सकता है दोनों तरफ इसके अंदर बैठने
बैठने के बेंच लगाए जाएं, लाइट लगाए जाए, सुंदर सुंदर लाइट लगाए जाए। जब हमारी सरकार थी तो हमारे कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल जी और हमारे विधायक हरिशंकर गुप्ता जी, उन्होंने साथ में जो केशवपुर में इसके ऊपर इसका कुछ काम करने का प्रयास किया था और उसका एक रोड भी इसके ऊपर बनवाया था ताकि लोग पैदल केशवपुरम से अशोक विहार जा सकें। लोग बड़ी तारीफ करते हैं उस चीज की। तो हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार से, दिल्ली सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से, क्योंकि सातों एमपी बीजेपी के हैं और सरकार केजरीवाल साहब की है, तो इस ओर ध्यान दिया जाए और इसको एक सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ पर विकसित किया जाए। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।